रसगुल्ले खाना सबको पसंद है, लेकिन मैं आज आपके लिए बहुत ही यूनिक तरीके से रसगुल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ, ताकि आप सभी लोग आपके घर पे आसानी से बना सके। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि स्मॉल रसगुल्ले कैसे बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले ली है दूध, मैंने यहाँ पे गाय के दूध ले ली है। आपके पास जो भी अवेलेबल दूध है वो ले सकते हैं आप। और इसमें एक उबाल आने देंगे, तो देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ चुका है। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद रसगुल्ले की चाशनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर एक पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कटोरी से ले ली है पानी, एक कटोरी, तो वो डाल देंगे। आपके पास जो भी मेजरमेंट काप हो या नॉर्मल कोई भी काप हो, इससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कटोरी पानी डाल दी है। अभी वही कटोरी से डाल देंगे एक कप चीनी। तो मैंने यहाँ पे एक कप चीनी ले ली है, डाल देंगे। उसके बाद फिर से एक कप लेंगे, तो चीनी हमें दो कप डालना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चीनी दो कप डाल दी है। और उसके बाद अभी चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे, ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और हमारा जो चाशनी है वो एकदम गाढ़ा हो जाए। तो इसमें कोई एक तार या दो तार वाला चाशनी हमें नहीं चाहिए, नॉर्मल गाढ़ा सा हमें चाशनी चाहिए। इस तरह से मिक्स करेंगे और चीनी को मेल्ट करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा चाशनी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो दूध को गर्म करके रखा था ना, तो वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे ले ली है विनेगर। आप कोई भी विनेगर ले सकते हैं, लेकिन व्हाइट विनेगर होना चाहिए, या आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच विनेगर ले ली है और मैंने डाल दी है पानी। तो एक कप मैंने यहाँ पे विनेगर का पानी ले ली है। और मैंने जो दूध को रखा था ना, दूध हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये विनेगर का पानी डाल देंगे और चम्मच की मदद से इस तरह से चलाते रहेंगे। तो इस तरह से करने से हमारा जो दूध है वो फट जाएगा। तो इस तरह करके थोड़ा थोड़ा विनेगर का पानी डालेंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे आपका दूध ठंडा हो चुका है, तो थोड़ा सा इसको गैस के ऊपर थोड़ा गर्म कर लीजिए और फिर से इस तरह से मिक्स कर लीजिए, और आपका छेना जो है वो परफेक्ट बनेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, दो मिनट में हमारा जो दूध है वो फट गया है और इसका छेना कितना परफेक्ट हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बोल ले ली है। बोल के ऊपर एक कपड़ा बिछा लेंगे और उसके बाद जो छेना बना के रखा था ना, इनको छान लेंगे। तो आप छन्नी की मदद से भी छान सकते हैं। तो सभी छेने को डाल देंगे। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह करके इसका जो पानी है वो सभी निकाल लेंगे। इसके पानी को फेंकेंगे नहीं, सब्जी वगैरह में डाल देंगे, नहीं तो आटा गूंदने में काम आएगा। तो आप इस पानी को फेंकना मत। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है। अभी प्लेट पे छन्ने को डाल देंगे और उसके बाद हाथ की मदद से इस तरह से मल लेंगे, यानी कि हम जो आटा लगाते हैं ना, इस तरह से इसको अच्छे से गूंद लेंगे, यानी कि मल लेंगे। जितना हम इसे मलेंगे ना, हमारा रसगुल्ला उतना ही मुलायम बनेगा, उतना ही परफेक्ट बनेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप लोगों को मल लेना है। तो आप इसे ऐसे ही मलते रहे, आपका जो छेना है वो खुद ही सॉफ्ट होने लगेगा। तो इसे मलने में कम से कम 10-15 मिनट समय लगेगा। तो आप इसे जितना मलोगे ना, उतना ही हमारा जो छेना है वो सॉफ्ट बनेगा। तो देख सकते हैं मैंने छेने को 10-15 मिनट मल ली है। उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मैदा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली है 1 चम्मच सूजी। और इन सभी को अच्छे से फिर से मल लेंगे। और उसके बाद इन सभी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथ की मदद से फिर से अच्छे से मल लेंगे, ताकि हमारा जो डो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। तो देख सकते हैं हमारा डो एकदम सॉफ्ट एंड मुलायम हो चुकी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली है 1 पिंच सोडा। तो सोडे को डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और उसके बाद फिर से थोड़ा मिक्स कर लेंगे।
तो देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। उसके बाद रसगुल्ले की बॉल्स बनाएंगे। तो मैं आज स्मॉल रसगुल्ले बना रही हूँ ना, तो एकदम छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह करके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो एकदम छोटे छोटे रसगुल्ले खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह करके सभी रसगुल्ले के बॉल्स बना लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह करके मैंने सभी रसगुल्ले के बॉल्स बना ली है। एकदम छोटे छोटे रसगुल्ले के बॉल्स बनकर तैयार है। तो चलिए चलते हैं अभी चाशनी की तरफ। तो पहले जो हम चाशनी बना के रखे थे ना, वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो मैंने गैस के ऊपर रख दिया है चाशनी को थोड़ा गर्म होने के लिए। तो जैसे ही चाशनी में एक उबाल आ जाए तो सभी रसगुल्ले के बॉल्स को डाल देंगे चाशनी पे। देख सकते हैं इस तरह करके सभी रसगुल्ले के बॉल्स को डाल देंगे चाशनी पे। तो देख सकते हैं मैंने सभी बॉल्स को डाल दी है। उसके बाद इसमें डाल देंगे वो चने के जो पानी रखा था ना, इसमें 2 चम्मच डाल देंगे। और उसके बाद 10-15 मिनट के लिए ढक्कन से ढक कर रख देंगे गैस को, एकदम लो फ्लेम पे रख के। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुका है। अभी ढक्कन को हटाएंगे और देख सकते हैं अभी हमारा जो स्मॉल रसगुल्ले है वो बनकर तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर दी है मैंने और इसको एक बोल पे निकाल लेंगे। अभी ये जो स्मॉल रसगुल्ले है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।